व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, मेरा नाम है किशोर और आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ एक वन पीस डिस्कशन वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वानो आर्क के बारे में। बेसिकली वानो आर्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉर आर्क इन वन पीस सीरीज। मरीन फोर्ट के बाद ही वन ऑफ द बेस्ट आर्क होने वाला है वन पीस सीरीज में। और ऐसा क्यों, मैं आगे इस वीडियो में तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई कोई वन पीस का वीडियो नहीं आ रहा था, वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं उतना फिट नहीं था कि मैं अच्छे से एडिट मार के अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकूं या अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर सकूं। बट अब मैं रिकवर हो गया हूं और आई थिंक कि मैं आगे तक वीडियोस डालता रहूंगा हर दो दिन या तीन दिन के गैप्स में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वन पीस की ये सीरीज 1998 से चली आ रही है और अभी शायद इसको 22-23 साल होने वाले हैं और अकॉर्डिंग टू ओडा 2025 में ये सीरीज खत्म हो जाएगी। और वानो आर्क के खत्म होते ही 85% ऑफ द कंटेंट खत्म हो जाएगा वन पीस के अंदर, यानी कि वानो आर्क के खत्म होते ही 85% सीरीज खत्म हो जाएगी वानो आर्क। सो वानो आर्क जो होने वाला है ये अकॉर्डिंग टू द ओडा, क्योंकि उसने उसके ट्विटर हैंडल पे ये चीज बताई थी कि ये मरीन फोर्ड से भी ज़्यादा अच्छा आर्क होने वाला है। यहाँ पे जो वॉर होने वाली है वो मरीन फोर्ड से भी ज़्यादा बड़ी वॉर होने वाली है। सो मैं डीप डिटेल में नहीं जाऊँगा कि वानो आर्क में क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं बेसिकली तुम लोगों को स्पॉइल कर दूंगा वन पीस के वानो आर्क के बारे में। बट वानो आर्क में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है? लिटरली इससे पहले भी मरीन फोर्ड था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, अब वो चीज़ ही ऐसी थी कि पसंद आ रहा है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि वानो आर्क में ऐसा क्या है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एनिमेशन। जब मरीन फोर्ड आया था तब एनिमेशन धीरे धीरे चेंज हो रहा था और जब अपना टाइम स्किप आया उसके बाद एनिमेशन कम्प्लीटली चेंज हो गया था। लेकिन जो ये वानो आर्क है इसमें एनिमेशन लाइक जो इसका स्टैंडर्ड था पहले इसके एनिमेशन का, अब इसका स्टैंडर्ड बहुत आगे चला गया है। लिटरली तुमको इसके फाइटिंग सीन्स देखकर ही पता चल जाएगा कि ये कितने एपिक हो गए हैं वानो आर्क में। तुम लोगों को वानो आर्क देखते समय ऐसा लगेगा कि तुम वन पीस की कोई मूवी देख रहे हो इस एपिसोड बाय एपिसोड, क्योंकि इसका एनिमेशन यार बहुत ही ज़्यादा धांसू है। और इसकी जो स्टोरी है वो ओडा ने एकदम टाइम शिफ्ट के बाद से ही शुरू कर दी थी। वो इससे पहले जो तुमने 600 एपिसोड देखे, आई मीन 500 एपिसोड देखे, वो इस वानो आर्क के लिए ही वो बना रहा था, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि समुराइज है, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि ट्रेटर्स है, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट खा करके ड्रैगन बन जाते हैं। तुमने अगर देखा होगा तो टाइम स्किप के बाद से जो भी आर्क आया वो सब कुछ वानो आर्क से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड था। अगर हम लोग डॉल्फ्लेमिंगो वाले आर्क की बात करें सो कम्प्लीटली वानो आर्क से कनेक्टेड था, क्योंकि वो उसके जो डेविल फ्रूट्स थे, मतलब जो आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स थे, वो वहाँ पर वानो आर्क में काइडो को सप्लाई कर रहा था। बिकॉज काइडो वॉन्ट अ बिग वॉर, बिकॉज आई थिंक ही इज बोर्ड एज फक, सो ही वॉन्ट अ बिग वॉर टू एंटरटेन हिमसेल्फ। इससे पहले हम जितने भी आर्क देखे उसमें हमको कोई एक आर्मी वाली वॉर हमको नज़र नहीं आई थी। लिटरली हमने जो मरीन फोर्ड वाला आर्क देखा उसमें सिर्फ लूफी था और उसके कुछ टेम्पररी गैंग मेंबर्स थे जो कि वानो आर्क में उसके साथ में आए थे और साथ में जिम्बे भी था। बट वानो आर्क में आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला, इसके सारे क्रू मेंबर्स इस बार वानो आर्क में होंगे, जो कि हमको पहली बार एक वॉर में लड़ते हुए दिखा दे। लिटरली दिस इज अ पायरेट सीरीज और हमको एक भी ऐसी वॉर नहीं दिखी है जहाँ पे इसका क्रू किसी दूसरे क्रूज से, मतलब एज अ आर्मी टू आर्मी लड़ रहा है। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट आर्क जहाँ पे हमको ऐसा दिखने वाला है, जहाँ पर शायद, लिटरली शायद, मैं कन्फर्म नहीं हूँ और अगर ऐसा कन्फर्मेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो उसके 5600 क्रू मेंबर थे जो कि उसको ओथ के द्वारा ज्वाइन हुए थे, जिसमें लूफी ने कहा था तुम्हारी मर्जी, तुमको ज्वाइन होना हो ना हो मुझे कुछ नहीं कहना, ही जस्ट वांट अ फ्रीडम। जो 5600 के क्रू मेंबर्स थे जो कि उसको ज्वाइन हुए थे, उसके 7 कमांडर्स, आई थिंक हम उन सब लोगों को इस एक ही आर्क में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ यहां पे हमको देखने को मिला जो एक्चुअल पावर थी जोरो की, सांजी की, नामी की, जहां में हमको फॉर्मर कमांडिंग मार्को देखने मिलने वाला है इस वॉर में। और ये बहुत बड़ी बात है, हमने सिर्फ उसको एक ही बार अच्छे से लड़ते हुए देखा है मरीन फोर्ड आर्क में, इसके बाद वो सेकेंड टाइम होगा जहां पर हम उसको अच्छे से लड़ते हुए देखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड। और ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है जहाँ पे लोग बात करते हैं कि मार्को लूफी के क्रू को ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट बियर्ड ने कहा था प्रोटेक्ट दिस लिटिल चाइल्ड, आई थिंक ऐसा ही कुछ बोला था, पर जो व्हाइट बियर्ड था उसने मार्को को कहा था कि इसको प्रोटेक्ट करना है लूफी को।
सो आई थिंक मार्को ज्वाइन करेगा लूफी के इस छोटे से ग्रुप को, आई मीन स्ट्रॉ हैट पायरेट। और यहाँ पर हमको एक और नया मेंबर देखने को मिली एक्चुअली। वो जानने के लिए तुमको वन पीस ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता अगर तुमने वानो आर्क अभी तक स्टार्ट नहीं करा है तो। अब ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया डिस्कशन वन पीस के इस वानो आर्क के ऊपर। अब मैं कुछ की पॉइंट्स को सामने रखता हूँ जो कि तुमको देख करके लगेगा कि यार इसकी वजह से हम लोगों को वानो आर्क एपिक दिखने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमेशन, एनिमेशन तो भाई सबको दिखा कि यार कितना ग्रेट है, ठीक है। और हमको साथ ही साथ दिखा कि लूफी उसकी हाकी कितने मतलब यूजली यूज़ कर रहा है इस वक्त में, नॉर्मली यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको दिखा पावर अप्स जो कि जोरो का पावर अप्स था, मतलब हमको ऐसा पता चला। देखो ऐसा है कि जब टाइम स्किप के बाद से हमको लूफी का जो पावर अप था वो तो हमको पहले वो आर्क में ही पता चल गया था, है ना। जो फिशमैन आइलैंड आर्क था उसमें ही पता चल गया था कि लूफी कितना पावरफुल है, वो अपनी सिर्फ हाकी से 50,000 मरीन मतलब लोगों को आराम से हरा देता है, उनको अनकॉन्शियस कर देता है। लेकिन दूसरे कैरेक्टर्स का उतना नहीं पता चला था, जैसे कि जोरो, रोआनो जोरो। फिर हमको साथ ही साथ देखने मिला था कि उसाप हाकी यूज़ करता है, मे बी हमको इस आर्क में फिर से वो चीज़ दिखने वाला है कि उसाप हाकी यूज़ करता है। और साथ ही साथ हमको सांची का भी पावर अप देखने वाला मिलने वाला है विथ हिज फुल पोटेंशियल। और जो हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो कुछ ऐसा है कि हमको इसका 6500 जो इसके कमांडिंग लोग हैं, मतलब जो इसके 7 कमांडर्स के अंडर आते हैं, जो इसके पायरेट ग्रुप के अंदर आते हैं ऑफिशियली एक्चुअली, सो वो लोग भी हमको शायद इस वॉर में दिखने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट हमको दिखने वाला है मार्को द फीनिक्स। और फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि ये इस सीरीज़ के साथ ही साथ 85% जो है इस सीरीज़ की स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, सो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को कई सारी मिस्ट्रीज रिवील होगी। जैसे कि अभी हमको लाफ्टेल के बारे में पता चला, उसके साथ ही हमको पॉनिक्लिप्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। अब हो सकता है कि वानो आर्क के बाद लोग या फिर हमारा क्रू जो लूफी का क्रू है वो फोर्थ पॉनिक्लिप को ढूंढे, फिर हो सकता है कि वो फोर्थ पॉनिक्लिप इसी आइलैंड पे हो, बस लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है। सो यार ये था मेरा वानो का डिस्कशन, और दिस इज़ गोइंग टू बी लास्ट वानो डिस्कशन, क्योंकि इसके बाद मैं इसकी कुछ थ्योरीज और दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो आई होप तुम लोगों को ये डिस्कशन सुन के मज़ा आएगा, और तुम लोग क्या इस बारे में सोचते हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं तुम लोगों को रिप्लाई करूँगा। और अगर तुमने कोई अच्छी सी चीज़ मुझे बताई तो मैं उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो भी बनाऊँगा। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।